रक्षा सूत्र बांधेंगी और जो उनके भाई हैं अंदर वो उनको हम यहाँ पर इनके से मुलाकात भी करवाएंगे। जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। बाय ये डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ, विजिट तनिष्क शोरूम इंडिया मोटर सर्किल अजमेर। सर मैं कुचामन से आई हूँ, हम हमारे भाई की राखी बांधने आए हैं और दुआ करते हैं अगली राखी भी हमारा भाई हमारे साथ हो। किस तरीके से आज आपने राखी बांधी, आप बाहर भाई अंदर है, कैसा लग रहा है आपको? राखी सर यहाँ पे राखी बांधने का तो एक घर पे बांधे एक यहाँ, रात दिन का फर्क है। मोतीसर से आया है भाई के राखी बांधने, फिर तो काना खड़ी है, लेकिन अब निकाल बाकी तो सोचो का जेल के लिए अंदर आया है। तो आज भाई के राखी बांधी कैसा लग रहा है आपको कि भाई अंदर? खुश लग रही है, तो खुशी तो है ना भाई के, भाई के राखी बांध दे। किस तरीके से राखी बांध के आपने दुआ की भाई जल्दी किया यार, लेकिन अब क्या कर सका। किस मामले में अंदर है भाई? मटर केस में, मतलब कोई छुड़ा बाग बारा में ही है, बाकी यार कोई छुड़ाया तो दूसरा मारे अब को ना हो जो। आपका नाम बताए? खुशबू। जब वो गाड़ी चला रहा था जो अपने उसके साथ आदमी थे वो तो पीछे आ गए थे, इसको पकड़ लिया था गाड़ी को, फिर इसकी गाड़ी पकड़ के उसने बुला दिया। मालिक भी रहे थे यही, पता नहीं कितना साल रहा है मालिक, छुट गया ये बंद है, 8 साल हो गया। अब सजा सब हो गया खत्म, अब तो हाँ अब तो जमानत होने वाली है। राखी बांधने है जेल में, सुखविंदर सिंह ये हरियाणा के रहने वाले हैं। हाँ जी, रक्षाबंधन पवित्र त्योहार है, भाई और बहन का जो रिश्ता है उसका प्रतीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए समस्त राजस्थान की समस्त जेलों में ये व्यवस्था है, उसी तरह से अजमेर जेल में भी हमने व्यवस्था करी है कि बहनें आएंगी रक्षा सूत्र बांधेंगी और जो उनके भाई हैं अंदर वो उनको हम यहाँ पर इनके से मुलाकात भी करवाएंगे और रक्षा सूत्र जो है बहनों को बांधने की आज अनुमति है। क्या प्रक्रिया है बहनों के यहाँ से? बस सिर्फ एक बहुत छोटी सी फॉर्मेलिटी है, क्योंकि महिलाएं हैं और आज का त्यौहार भी बहुत पवित्र है तो हर व्यक्ति के मन में पवित्रता की भावना भी रहती है। बाहर इनका कोई रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन के बाद यदि इनका आज मुलाकात का डे नहीं बनता, हक नहीं होता, तब भी आज हम इनकी रक्षा सूत्र बंधवाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हो गुड़ रोली मोली ये सारी यहाँ तैयार है पूरी तरह से, और अंदर भी हमने वॉलंटियर्स लगाए हैं। आज जेल का ऑलमोस्ट सारा स्टाफ इस समय ड्यूटी पर है और अंदर जो कैदी हैं वॉलंटियर्स वो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि एक एक बंदी को जैसे ही यहाँ से नाम उसका फैमिली आ जाती है, उसकी बहन आ जाती है, तो अंदर से ढूंढ कर लाना सिस्टमेटिक तरीके से और फिर तरीके से बंधवाना, ये हमारी ड्यूटी है। ये हमने 10 बजे प्रारंभ कर दिया था और डिपेंड करता है कि महिलाएं कब तक आती हैं, तो जब तक आएंगी तब तक चलेगा। मतलब कोई महिला कोई भी बहन बिना राखी बांधे वापस नहीं जाएगी। अपनी ओर से गुड़ की व्यवस्था करी, सबसे अच्छा पवित्र तो गुड़ ही होता है। जेल के अंदर जो कैंटीन है हमने उसमें मिठाई उपलब्ध करवाई है, जिसमें काजू कतली, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और सोन पपड़ी, 4 तरह की मिठाई अवेलेबल है। तो ये परिवारजन ने उसमें पैसा अपना जमा करा दिया होगा और बंदी भाई तक तो पहुंच जाएगा। फिर भी अगर एक पीस कोई मिठाई का खिलाना चाहेंगे तो हम इतने रिजिड नहीं हैं आज, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। बाकी हम इस तरह से कुछ गलत आज नहीं सोचते हैं, ना बंदी भाई सोचता है ना इनकी बहनें सोचती हैं। पैसे ऑनलाइन जमा होते हैं, पूरा सिस्टम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ है, तो ऑनलाइन फैमिली वाले जो हैं अपने मेंबर को जमा करा देते हैं और वही बंदी सिर्फ जिसके खाते में जमा होता है वही बंदी अपने इच्छा से कैंटीन का सामान लेता है। कैंटीन में मिठाई रेगुलर रूप में रसगुल्ला और सोन पपड़ी अवेलेबल रहती है, त्यौहार को देखते हुए इसमें काजू कतली और गुलाब जामुन का इजाफा आज।